हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा पांचवा दिन चिक्स का और आज हमने 20 फीट जगह इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है। देखिए वो बुखारियाँ 6 थी, एक वहाँ लगी थी, वहाँ से उठाकर हमने यहाँ ले आए और फिर एक वहाँ सेंटर में लगी थी, वो सेंटर में उठाकर यहाँ ले आए। जी हाँ, तो मौसम अब बाहर बहुत ज़्यादा बादल हैं, सुबह बारिश आ रही थी हमारे यहाँ, लेकिन अंदर का मौसम ठीक है। चिक्स अकेला अकेला बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अकेला अकेला बैठा हुआ यहाँ एंड तक, बिल्कुल अकेला अकेला। और बहुत ठीक है, पंजी वगैरह लगाई थी हमने, ये गीला बहुत हो गया था तो मुझे अंदर से नीचे पल्ली करनी पड़ी, क्योंकि गीला बहुत हो गया था, इससे एक एक तरफ से हवा क्रॉस होगी तो फिर ये सूख जाएगा। जी हाँ, और ये जो अमोनिया गैस है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है अमोनिया गैस की, फिर अमोनिया गैस के कारण फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, ह्यूमिडिटी जिसे पानी बोलते हैं, नम नमी बोलते हैं, हल्की हल्के पानी सा अंदर आना शुरू हो जाता है, नम नमी सी, तो उसके कारण फिर ये गीला होना शुरू हो जाता है नीचे, जैसे ये तरपाल है ना अंदर, इसमें पानी आया, पानी भरना शुरू हो जाता है यहाँ से पानी, और अब तो सूख गया बिल्कुल, तो नीचे ओस पड़ती है, नीचे नीचे करते करते यहाँ से फिर पानी नीचे चला चला जाता है, ये यहाँ से गीला हो जाता है, फिर ऐसे कर करके फिर ऊपर भी गीला हो जाता है, फिर नीचे पानी टपकता है और फिर नीचे भी गीला हो जाता है। जी हाँ, तो बस इतना ही है हमारा। तो चिक्स आज हमने बढ़ा दिया, टाइट बहुत ज़्यादा हो गया था, मेडल्टी भी अभी कंट्रोल में है, 4-5-6 4-5-6 हो रही है अभी, तो मेडल्टी अब बिल्कुल कंट्रोल में ठीक है, पहले 3 दिन हुई थी मेडल्टी हमारी, अब बिल्कुल कंट्रोल में है। तो बाकी टेम्परेचर देखने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, अब चिक्स के हिसाब से चलते हैं हम, चिक्स अकेला अकेला है, अच्छे तरीके से खा पी रहा है, समझो ओके है। जैसे इन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, कम कर दिया, तो समझ लेना चिक्स में कोई बीमारी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। जी हाँ, तो इसलिए पहले ही सावधान रहना चाहिए हमें, कम से कम मैं तो लगभग रात को भी कम सोता हूँ, क्योंकि 10 दिन तक मैं इनकी पूरी निगरानी करूँगा अच्छे तरीके से, इनका हाव भाव देखूँगा कैसे चेंज होते हैं, और क्योंकि 10 दिन जो होते हैं ना हमारे, वो बहुत कीमती होते हैं, पहले 10 दिन चूचा अच्छे तरीके से पल जाएगा, वजन अच्छे तरीके से लेगा, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है इनकी, तो फिर उसके बाद ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता है और बीमारी से लड़ सक, कोई भी बीमारी अगर आ जाएगी तो लड़ जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही है। जी हाँ, बाकी इनमें हल्का हल्का साउंड आ रहा है, हल्का हल्का साउंड है, वो मुझे पता आता ही आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, वो मैं कंट्रोल कर लूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो आईबी के चिक्स में सीआरडी साउंड ना आए तो फिर वो आईबी के चिक्स कैसे कहलाएगा, इसलिए आईबी के चिक्स में हमेशा ही साउंड आता ही आता है, तो शुरू में नहीं आएगा लास्ट में आ जाएगा, अगर शुरू में आ गया फिर लास्ट में नहीं आएगा, इनका ये हिसाब है। तो गैस के कारण मैंने बोला था ना, हार्मोनिया हो जो हो रात को हो जाती है, रात को टाट पल्ली या जो कुछ भी पल्ली नीचे कर नहीं सकते ठीक है ना, अंदर की कर सकते हैं ये वाली, तो लेकिन इससे भी कितनी गैस निकलेगी जब तक सेंटर की पल्लियाँ जो होती है यहाँ बीच वाली वो ना नीचे करें, तब तक गैस निकलती नहीं है, तो इसलिए रात को मैं पंखा भी मैंने नहीं चलाया, वो वाले जो सामने पंखे हैं एग्जॉस्ट फैन मैंने नहीं चलाए, इसलिए नहीं चलाए क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आ रहा था और सुबह बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी हमारा चिक्स, मैंने चिक्स इंक्रीज करना था, मुझे बढ़ाना था, मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे पता था अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा फार्म सील किया हुआ है, ये पूरा फार्म मैंने पूरा सील किया हुआ है, तो हवा कहीं से आ नहीं सकती, तो यहाँ पर 6 बुखारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, 6 भी बहुत अच्छी हैं ठीक है ना, और मेरी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, शेड की हाइट है 7.5 फीट और बिल्कुल नॉर्मल शेड है, बिल्कुल अच्छा है, ये गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए बिल्कुल बेस्ट शेड है, ये ऐसी शेड जो होती है। जी हाँ, तो बाकी कोस पैक वगैरह हमारा अभी चल रहा है और लगातार 3-4 दिन देंगे हम, 4 दिन देंगे, 3 दिन तो हमें, 2 दिन तो हमें देते हो गया, 2 दिन और देंगे कोस पैक, तो फिर हमारा
उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन हम इनको देंगे पानी, नॉर्मल पानी। फिर दसवें दिन हम इनको देंगे, जो 10 दिन का बच्चा होगा हमारा, तब हम इनको देंगे कॉपर का कोर्स कराएंगे, कॉपर का कोर्स एक करवाएंगे। जी हाँ, 25 ग्राम 1000 बर्ड को कराएंगे हम हल्की डोज। तो बाकी ठीक है चिक्स, मेडिसिन बताता रहूँगा मैं जब चलेगी। बीट वगैरह मुझे एक दो चिक्स की लगी है, चॉकलेटी लूज ड्रॉपिंग कर रहा है, एक दो की लगी मुझे। जब लग करेगा लूज ड्रॉपिंग तो फिर मैं न्यू मशीन जो है ना, आईबी की न्यू मशीन, आईबी कॉम्प्लेक्स बीच में मिक्स है, बी कॉम्प्लेक्स मिक्स है उसमें, उससे बीट का भी सोल्यूशन हो जाएगा और इनका वजन भी कम नहीं होगा। जी हाँ, तो ठीक है चिक्स, यहाँ पर देखो कैसे बैठा हुआ अच्छे तरीके से। ये नया है ना, नया छिलका यहाँ पर, वो पुराना है। तो ये यहाँ पर नया छिलका है, हमने दो पिलर खोल दिए, एक ये और एक ये, और बच्चा टाइट था। बीच के मैंने टाट पल्ली जो होती है ना, बीच में जो सेंटर वाली होती है, वो मैंने निकाल दी। वो मैं लगाऊंगा जब अगली बार चिक्स मैं बढ़ाऊंगा ना, मेरा इरादा है। अगली बार, कल भी बारिश बताई है, एक दो दिन बारिश बताई है, मेरा इरादा है कि आज शनिवार है, सोमवार या मंगलवार चिक्स बढ़ाऊंगा, फिर मैं बीच में जो होती है ना पार्टीशन, फिर लगाऊंगा बीच में लगाऊंगा। मैंने खोल दी पार्टीशन, थी मैंने खोल दी पार्टीशन। लगानी बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि चिक्स जो है ना उधर उधर नहीं भागता, कम भागता है, और जितना कम भागेगा उतना ज़्यादा वजन आएगा, इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वो एनर्जी बॉडी में रहेगी और वो उससे वो क्या हो ग्रोथ होगी उससे। जी हाँ, वो एनर्जी बॉडी में रहेगी, उससे वो मीट बनेगा, तो ऐसे इनकी एनर्जी भाग भाग कर वेस्ट नहीं होगी। अब तो चलो कुछ नहीं होगा, अब तो छोटे बच्चे हैं, जैसे ये 7 दिन के बाद जो है ना, मैं पार्टीशन लगा दूंगा बिल्कुल यहाँ पर, आधी इधर आधी उधर कर दूंगा, और एंड तक चलेंगे ऐसे ही ऊपर। जब ये चढ़ाएंगे ऊपर, मैं चढ़ाता हूँ बच्चा 16-17 दिन का जब हो जाता है, तो बच्चा ऊपर चढ़ाता हूँ मैं, तो तब भी मैं पार्टीशन लगाऊंगा। जैसे मैं पार्टीशन लगाता हूँ ना, तो मेरा वजन कम से कम 100-150 ग्राम एक्स्ट्रा आता है, ज़्यादा आता है। तो पार्टीशन का बहुत ज़्यादा फायदा है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप 3 पार्टीशन लगा सकते हो, मैं कोशिश करूँगा 3 लगाने की, लेकिन 2 तो मैं लगाऊँगा। जी हाँ, तो बाकी मौसम ख़राब है बाहर का, और बारिश का भी चांस हो रहा है, सुबह बारिश आ रही थी, अब बादल हैं, रात को हवा आ रही थी, लेकिन चिक्स अच्छा था हमारा, अंदर की कोई दिक्कत नहीं। चाहे तूफान आए, आंधी आए, बस लाइट ना जाए, लाइट भी आगे चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनरेटर वगैरह इन्वेटर वगैरह है हमारे पास, लेकिन फिर भी तो ठीक है चिक्स हमारा। तूफान आए, आंधी कुछ भी आए, फार्म को कुछ नहीं होगा हमारे, हमने फार्म बिल्कुल सील किया हुआ है, अंदर हवा का तिनका तक नहीं आ सकता, ना ही ठंड आ सकती है, इस तरीके से फार्म हमने बिल्कुल सील किया हुआ है। हाँ जी, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।